शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार का अपडेट और आज का राशि फसल का अपडेट। जानेंगे कि सबसे पहले आज आपका राशि फल कैसा रह सकता है और आज का राशि फल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी, मार्केट टाइम के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित हो रहा है। आज 10 फरवरी सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। गौरतलब है कि बाजार तेज या मंदे, क्या आप मुनाफा कमा रहे हैं, आपके मुनाफा या आप कहां आपको बचना चाहिए, ये आपको राशियां बताती है। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज, फिर नॉन एग्रो कमोडिटीज और शेयर बाजार पर आज का विशेष हलचल। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। एक एक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामित्व और स्वामित्व बनाया गया है, क्योंकि 4 स्थिर और 2 स्वभाव, तीनों स्वभाव की राशियों को स्थान दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। विशेषकर 11 से 1 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, आज मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 12 से 1 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये आज के लिए शायद संभव है आपके लिए मुफीद ना हो, परेशानियां बढ़ सकती हैं। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, विशेषकर 3 से 4 बजे के बीच। 4, 8, 12 ये है कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां, मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं, जल तत्व की राशियां हैं। 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी, अन्यथा आया व मुनाफा हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, गौरतलब है एक ही बाजार में या फिर एक ही इंडस्ट्रियल एरिया में या एक ही घर के अंदर 4 सदस्य हैं, सबका भाग्य अलग अलग, एक ही परवरिश है, एक ही साथ खान पान है, एक ही माता पिता की संतान है, उसके बावजूद भी अलग अलग क्यों होता है। भारतीय ज्योतिष में एलिमेंट का परफेक्शन, एलिमेंट का मैचिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अग्नि तत्व की राशि के संबंधित रखने वाले व्यक्ति हैं और जल तत्व से संबंधित काम करेंगे तो मिच मैच हो जाएगा, अग्नि और पानी का बेमेल होता है, ये विशेष ख्याल रखें। तो राशियों के आधार पर यदि आप अध्ययन कर अपना काम करेंगे तो सफलता के चांसेस अधिक बढ़ जाएंगे। ये अखिलेश जी। जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी, बात करें यहाँ पे अगर कम्युनिटी बाजार में कृषि फसलों की, तो सबसे पहले आपसे सोयाबीन के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। विदेशों में तो देख रहे हैं कि ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालात हैं। आज यूएस सोयाबीन वायदा भी $1600 के पार जा चुका है, कल को $1570 के आसपास था, यानी कि $30 से $35 एक ही दिन में देखने को मिला। वायदा बाजार में भी NCDX पर सोयाबीन की कीमतें तेज हुई हैं, 6600 के ऊपर है इस समय और 6700 के ऊपर का भी लेवल टेस्ट होता नजर आ चुका है। ऐसे में कर्नल अजय जी, आपको क्या लगता है, इन सब के मद्देनजर क्या सोयाबीन में आगे तेजी रहेगी, क्या डिमांड भी उतनी है जितनी कीमतें बढ़ रही हैं, आगे कैसा रुझान रहेगा सोयाबीन में? देखिए अखिलेश जी, हमने आपको याद होगा कि पिछले लगभग आपको याद होगा कि पिछले एक महीने पहले जब सोयाबीन और रिफाइंड के ऊपर सरकार ने NCDX के ऊपर वायदे बाजार पर रोक लगाया था
और साथ साथ में इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की बात की थी और स्टॉक लिमिट्स की बात की थी। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि धैर्य रखने की बात है, सोयाबीन के दामों के अंदर मुझे कमी नजर नहीं आती है और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के तर्ज के ऊपर ही इसका भाव चलेगा, यहाँ पर रोक लगाने से कुछ बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। और जो रिफाइंड ऑयल का 1025 के आसपास का जो भाव था, 1020 का भाव था, आप देखिए 1300 रुपए से ऊपर तक का बिक रहा है। तो ये एक बड़ी तेजी दर्ज हुई है और सोयाबीन के अंदर अर्जेंटीना ब्राजील के अंदर भी शुष्क मौसम और वहां पे मौसम की परेशानियों की वजह से सोयाबीन के दाम बढ़ रहे हैं। और गौरतलब है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक भी सोयाबीन की का एक्सपोर्ट में कमी दर्ज होगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। और जो ब्राजील से भी जो समाचार मिल रहे हैं उसके आधार पर उत्पादन के अंदर कमी की संभावना है और इसका असर सोयाबीन के ऊपर पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, चाइना भी सोयाबीन के आयात में अच्छी रुचि ले रहा है, इसकी वजह से भी सोयाबीन के दामों में फर्क पड़ रहा है। तो ऑयल सीड्स के अंदर इस साल सरकार को लगभग अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ सकती है और इसके अंदर लगभग 8 से 10% अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ सकती है और ये 1.25 लाख करोड़ से ऊपर की होने की संभावना है या 1,40,000 के आसपास, 1.4 लाख करोड़ के आसपास इसकी होने की संभावना है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि सोयाबीन के जो भी मिलर्स हैं, देखिए मार्केट टाइम्स के माध्यम से मैं आगाह करने वाला हूँ किसानों के साथ साथ मिलर्स को, किसानों के बड़े स्टॉकिस्ट को, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप जब हम आपसे आपके माध्यम से दर्शकों को कह रहे थे, कारोबारियों को कह रहे थे कि सोयाबीन के अंदर मत घबराइए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, और वो तेजी हो गई। अब तेजी में सब लोग खरीदने के लिए दौड़ेंगे और उसके बाद यदि जरी सी मंदी आएगी तो सबको बड़ी परेशानी हो जाती है। मेन चीज ये है कि यदि आप पूर्व अनुमान लगा के निचले दामों में यदि माल खरीद लेते हैं तो आपको शानदार मुनाफा आपको मिल जाता है। और यदि जब तेजी बनने के बाद में फिर आप कहें कि हम क्या करें, ये तो वैसे ही होता है कि जब पूरे साल मास्टर जी ने पढ़ाया, आपने पढ़ाई नहीं की और जब एग्जाम के दिन आया तो उस वक्त आप कहते हैं जी अब मैं क्या करूं। तो महत्वपूर्ण ये होगी कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर जब हम आप शो के अंदर आपको बात कहते हैं कि धैर्य रख के माल खरीदिए, उस वक्त यदि कारोबारी खरीदेंगे तो फायदा रहेगा। अब बड़ी तेजी बनने के बाद में जरी सी भी मंदी होगी तो परेशानियां बनेंगी, तो इसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, सरकार भी तिलहन के को प्रमोट करने के लिए अपना भरपूर प्रयास कर रही है लेकिन ये प्रयास नाकाबिल है जी, ये भागीरथी प्रयास करने पड़ेंगे स्वामीनाथन के जैसे जो हरित क्रांति के दौरान किया गया था हमें गेहूं के ऊपर आत्मनिर्भर और हमारी कृषि की उपज के ऊपर आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए। छोटी मोटी 100-200 करोड़ में नहीं होगा, इसके लिए पूरा भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा ये चीज। और अब सवाल ये है कि अब क्या करें जी, तो यही मेरा कहना है कि जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आप सोयाबीन खरीद दीजिए क्योंकि इस दामों पर बहुत जबरदस्त लेवल ऊपर लेवल के ऊपर थोड़ा खतरा बढ़ता है, तो जब तक नीचे नहीं आए तो फ्रेश बाइंग जो लंबी अवधि के लिए करना चाहते हैं उनको बचना चाहिए और जो निचले दामों पर जिन्होंने हमने कहा जो हमारे कहे अनुसार या हमारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जिन्होंने माल खरीदा था उनको कुछ मुनाफा वसूल करना चाहिए, ये मेरा आकलन सोयाबीन के ऊपर है। गौरतलब है कि तेजी में तेजी करने से हमेशा नुकसान होता है और मंदी में मंदी करने से हमेशा नुकसान होता है। यदि कारोबारी हो तो आने वाले 1 से 2 महीने का अग्रिम अनुमान जब मंदी है तब आप लेओगे तो आप हमेशा फायदे में रहोगे क्योंकि जो कारोबारी जो स्पेकुलेटर्स हैं डे जॉबर हैं सुबह खरीदते शाम को बेचते हैं, देखिए उनकी ट्रेडिंग के लिए अलग है, उनको आप बिल्कुल अलग रख दीजिए। लेकिन जो मिलर्स हैं जो 1.5 से 2 महीने का माल अपने पास स्टॉक में रखते हैं या वो स्टॉकिस्ट जो 1.5 से 2 महीने आगे का माल अपने पास स्टॉकिंग करते हैं उनको अभी माल खरीदने से बचना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये मेरा विश्लेषण है सोयाबीन के ऊपर। ये अखिलेश जी जी, यहीं से कर्नल जी बात करें अगर सरसों की,
तो सरसों की भी देख रहे, नई फसलों का आगमन हो चुका है मंडियों के अंदर, अभी धीरे धीरे आवकें आने वाले समय में कुछ और बढ़ जाएंगी। हालांकि अभी बारिश देखी जा रही है कई जिलों में, जिसकी वजह से जो आवकें हैं वो इतनी देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आवकें बढ़ेंगी, आपको क्या लगता है, क्या सरसों का जो उत्पादन का अनुमान इस बार लगाया गया है, जिस हिसाब से इस बार सरसों की बुआई का रकबा बढ़ा है, तो क्या सरसों की कीमतें पहले जैसी अट्रैक्टिव रह पाएंगी? कई किसानों के मन में ये भी शंका है कि कहीं जो सरसों है MSP के नीचे ना चली जाए, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, बहुत अहम सवाल पूछा है आपने कि रबी की सबसे बड़ी फसल सरसों, क्योंकि खरीफ के अंदर तो सोयाबीन और रबी के अंदर जो है वो है सरसों। और राजस्थान के लिए तो ये बहुत जीवन जीने मरने का प्रश्न बन जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। सरसों का उत्पादन के अंदर करीबन 24% का अधिक बिजाई की सूचना मिली है सरकार अधिकृत सूत्रों के हिसाब से, और ये पिछले साल के मुताबिक 15 से 20% सरसों के अंदर बिजाई के हिसाब से अधिक उत्पादन की उम्मीद भी लगाई जा रही है। और ये लगभग 80 लाख जो 90 लाख है उसको हो सकता है कि ये 1 करोड़ के ऊपर इसका इसका उत्पादन का बात बने। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि पिछले कुछ दिनों से जिसके लिए मौसम के ऊपर हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा हमारे करीबन एक महीने पहले से एडवांस के अंदर हमने कहा था इस बार मौसम शायद दगा दे सकता है, और मौसम ने दगा भी दिया, और उसके अंदर कहीं कहीं तेज बरसात, ओला वर्षित और कोई, और पिछले कुछ दिनों के अंदर भी हरियाणा के अंदर तेज बरसात है, राजस्थान के अंदर भी कुछ तेज बरसात की सूचनाएं मिल रही हैं, उससे सरसों की फसल के ऊपर और विशेषकर गेहूं की फसल के ऊपर कुछ थोड़ा सा प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो लेकिन कुल मिला के जो उत्पादन है सरसों का अच्छा होने की पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। अब उत्पादन को देखते हुए जो फसलों, लेकिन बारिश के वजह से जो पिछले 2-4 दिन के अंदर जो सरसों के भाव मंडियों के अंदर थोड़े से बढ़े वो भी एक विशेष बात है। और अब सवाल ये आ रहा है कि अब किसानों को क्या करना चाहिए। देखिए, किसानों को मैं यही कहूंगा, एक मेरा चिरपरिचित वर्ड होता है धैर्य। जो जल्दबाजी के अंदर मंडियों के अंदर माल लाके अगले 15 दिन 1 महीने के अंदर माल बेचेगा, उसको संभावना यह है कि उसको पूरा लाभ ना मिले। जी, उस क्योंकि जब अराइवल अच्छी आ जाती है तो हर जगह बेचू 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 की खबर मिलने लगती है, कोई फंडामेंटल और कोई कुछ का सवाल नहीं आता, और जिनको पैसा खड़ा करना है और जिनको पैसा देना है उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, वो किसान अपना माल बेच देते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यदि आपके पास 100% पूरी उपज को एक साथ मंडियों में बेचने के बजाय इसको थोड़ा सा रुक कर बेचेंगे तो आपको मुनाफा अधिक मिलने की संभावना बनेगी, ये मेरा आकलन है। क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर हो सकता है कि सरसों के दाम नीचे गिर जाए। ये अखिलेश जी, जी तो काफी महत्वपूर्ण सलाह दी है कर्नल अजय जी ने सरसों और सोयाबीन के ऊपर। अगर कोई फायदा उठाना चाहता है तो जरूर कर्नल अजय जी की राय मान सकते हैं, क्योंकि कर्नल अजय जी ने पहले भी सरसों और सोयाबीन किसानों के हित में ही बात कही थी और उनको लाभ भी पहुंचाया था। इसके साथ कर्नल अजय जी, बात करें अगर यहाँ पे दालों में तुअर दाल की, तो तुअर दाल का क्या अपडेट है, तुअर दाल में अभी क्या कीमतें हैं, क्या ऐसा रुझान रह सकता है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि तुअर दाल पे कर्नल अजय जी की राय जरूर लें। अखिलेश जी, तुअर के ऊपर जो समाचार मिल रहे हैं और कुछ हमारे गणना है उसको मैं अपनी राय आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि पल्सेस के अंदर अभी इस साल बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहेंगी, क्योंकि पल्सेस के अंदर तुअर दाल जो है वहां से महाराष्ट्र के अंदर लगभग 30% से अधिक की प्रदत्त के उत्पादन की कमजोरी की बात कही जा रही है। लेकिन साथ साथ ये है कि पल्सेस का इंपोर्ट लगातार हिंदुस्तान बहुत तेजी से करता है, और उत्पादन की कमी के बावजूद भी विदेशी तुअर दाल बाजारों में उपलब्ध है, इससे तुअर दाल की तेजी को मजबूती नहीं मिल रही है। खासकर अफ्रीकी तुअर दाल बाजारों में बहुत अधिक उपलब्ध है, उसकी वजह से भी बाजारों में फर्क पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त बर्मा जो कि तुअर मतलब दालों के लिए विशेष प्रसिद्ध है, वहां भी लोकल मार्केट के अंदर अभी तुअर दाल के भाव
बहुत तेजी नहीं पकड़ रहे हैं और वहां से भी संभावना ये भी है। तो ये कुल मिला के इम्पोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि हम कितनी दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन तुअर दाल का कम है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन तुअर दाल के अंदर वो जो भी कारोबारी का कार्य कर रहे हैं उनको धैर्य से माल रखना पड़ेगा, महीना 15 दिन 2 महीना माल, 1.5 महीना माल रखेंगे तो उसको प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन इस आपाधापी के अंदर जल्दबाजी के अंदर करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि तुअर दाल विदेशी इंपोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करेगा। और ये लगातार जो दालों के जो तुअर की जो इंपोर्ट हो रही है ये साल दर साल लगातार बढ़ रहा है जी। ये चाहे 2017-18 देख लो, 18-19 देख लो, 19-20 देख लो, 20-21 देख लो, अब इस साल का भी है, तो लगातार इंपोर्ट बढ़ रहा है और इससे बाजारों के अंदर फ्लक्चुएशन रह सकती है, लेकिन उत्पादन की कमी इसको भी आप नकार नहीं सकते। तो धैर्य से जिनके पास माल है उनको रख लीजिए और ये MSP से ऊपर ही बिकेगी, अच्छे दामों में बिकने की पूरी संभावना है जी। अखिलेश जी, जी कर्नल जी, दालों में अगर चने की बात करी जाए तो चने में आपको क्या लगता है, चने में आगे कीमतें कैसी रह सकती हैं? क्योंकि हमने देखा है कि दालों पर जो सरकार के इतने फैसले आए हैं तो हर कोई व्यापारी, हर कोई कारोबारी दालों में अब कदम रखने से डर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है चने का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, चना एक बहुत महत्वपूर्ण दलहन माना जाता है और जितना परेशान चने को सरकार, मतलब किसान हो या चाहे कारोबारी, जिसने चने ने सबसे ज्यादा हैरान और परेशान किया है। और जो अभी जो दिल्ली लॉरेंस रोड के ऊपर 5,025-5,050 के आसपास का जो दाम है और तिकोना यानी कांटेदार चने का और MP लाइन का जो चना है वो थोड़ी सी हमेशा 200-300 रुपए की इसकी गिरावट रहती है, उसमें इन दोनों में फर्क रहता है। लेकिन चने के अंदर देखिए, जो फसलें का जो अनुमान लगाना है कि कुछ इलाकों के अंदर फसलों की खराबी की सूचना मिली है, और लेकिन कुल मिला के चने के अंदर अभी थोड़ा सा समय और धैर्य रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि चने में जो भी नुकसान होना था, जो भी परेशानियां होनी थी, वो बहुत कारोबारियों ने झेल ली है, किसानों ने झेल ली है, और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई चने के अंदर ऐसी कोई बड़ी 10-20% की गिरावट हो, ऐसी संभावना मुझे कम नजर आती है। तो अभी और क्योंकि इन दामों के ऊपर चने के को बेचना भी जिन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है किसानों ने या फिर कारोबारियों ने, उनके लिए भी इन दामों के ऊपर बेचना कोई स्टॉक नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी ये द्वार भाव है, उनके ब्याज भट्टा जो लग चुका है, उनका जो भाड़ा लग गया उसी का लग गया है, जो कि पूरा है वो उनको पावरता ही नहीं लगेगा। तो किसानों के पास या कारोबारी के पास चने को रोकने का कोई, मतलब चने को बेचने का भी कोई तुक नहीं बनता, नंबर वन। नंबर टू, ये चार राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शन के ऊपर भी ये फरवरी के अंदर सारा समाप्त हो जाएगी, तो 5 राज्यों के अंदर जो है उससे भी किसी स्थिति साफ होगी। नाफेड भी और FCI वगैरह जो है सरकारी चने की खरीद भी अब अच्छी होगी, क्योंकि वहां भी धीरे धीरे माल खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि और आगे धीरे धीरे जो कोविड और ओमिक्रॉन जैसी जो महामारियां हैं उनके ऊपर भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, और उससे भी जब सारी तरफ रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी तो तुरंत सा वापस अर्थव्यवस्था और पटरी पे आएगी। तो मुझे लगता है कि चने पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। एक और महत्वपूर्ण चर्चा मैं कहूंगा कि सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कई प्रयासों से दी जा रही है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप स्वयं का अत्यंत विवेक एवं अपने सलाहकार से अवश्य राय कर लें। किसी भी प्रकार का नफा नुकसान की गारंटी ना मार्केट टाइम्स टीवी चैनल की, ना मेरी और या किसी और व्यक्ति की होगी, ये विशेष ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है क्योंकि हम फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर बात कर रहे हैं जी। अखिलेश जी, इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ पे मसालों की, तो मसालों में आपने पहले भी तेजी बताई थी, तेजी बनी भी और अब देख रहे हैं कि और तेजी बनती जा रही है। जीरे में 21,000 के लेवल टेस्ट होते देख चुके हैं हम कल के कारोबारी सत्र में, 20,800 पर अभी भी जीरा वायदा में ट्रेड करता नजर आ रहा है, धनिया 10,800 पर है और हल्दी में भी हल्की बढ़त बनती नजर आई है। आपकी क्या राय रहेगी मसालों के ऊपर? देखिए, मसालों के अंदर आपको हम लगातार पिछले 2-2.5 महीने से तेजी की बात कर रहे हैं। जो धनिया 6,500-6,700 में कोई लेने को तैयार नहीं था, उस हमने यही कहा था कि धैर्य से रख लो, अच्छा पैसा देगा। जो वही 6,500 का धनिया आज 10,950 और 11,000 के ऊपर बिक रहा है,
और आप वैसे ही आप जीरा में देखें 13-14 हजार की का जो जीरा आज 20 हजार से ऊपर 21 हजार के दामों के अंदर ये बिक रहा है। तो जिन्होंने मार्केट टाइम्स टीवी को सुना था, हमारे वक्तव्य को सुना था, क्योंकि हमेशा मैंने एक प्रयास ये रखा है कि जब बाजारों के अंदर गिरावट है उस वक्त यदि अग्रिम आकलन किया जाए तो उसके अंदर पूरा लाभ मिलता है। तेजी में तेजी करने से और मंदी में मंदी करने से सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि यदि आप तेजी में माल खरीद लेते हैं 2-4% गिरावट हो जाती है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं और परेशानी होती है और फिर घबराहट के माल बेचता है। यदि आपने नीचे स्तर के ऊपर आके 2-3 महीने का अग्रिम अनुमान लगा के माल लिया हुआ है तो आपको परेशानी नहीं है, आप क्योंकि आपने 6500 का धनिया लिया हुआ है, 11000 का भाव चल रहा है, उसमें 200-400 रुपए हम घटते करते हैं तो आपको परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी जब आती है जब आप 10950 धनिया खरीदते हो और वो 200-300 रुपए की करेक्शन होते ही आपको नुकसान होने लगता है। तो पॉइंट ये है कि आपको तेजी में तेजी कहने वाले एनालिस्ट हो या मार्केट विशेषज्ञ हो या कोई भी हो उनसे उनके ऊपर एक सवाल है। तो मैं यही कहना है कि इन लेवल्स के ऊपर जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि 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 जीरा और धनिया के अंदर शानदार मूवमेंट बन चुकी है। लाल मिर्च ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, ये बहुत शानदार मूवमेंट में दी है और इन और दर्शकों ने बहुत फायदा उसका उठाया है। मेरे पास सैकड़ों की तादाद के अंदर व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि सर धनिया हमने रखा था, जबरदस्त फायदा हुआ, खासकर हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, इनकी फसलें थोड़ी सी बची थी, वो तो बहुत शानदार तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यही मेरा कहना है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो सदियों से हमारी टेस्टेड फार्मूले हैं, ये जो हमारे ऋषि मुनियों की जो हमारी जो सौगात है इसका भरपूर लाभ पहले के जमाने में लोग उठाते थे और भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था कि सही समय पर दाम अच्छे मिले तो ही प्रॉस्पेरिटी बनेगी। तेजी में तेजी, मंदी में मंदी में हमेशा परेशानी रहेगी, ये मेरा कहना है। तो मसालों के अंदर शानदार मूवमेंट बन रही है, अपना थोड़ा सा मुनाफा घर लेके जाओ और जब नीचे गिरेगा उसके बाद हम आपको सिर्फ पुनः मुखातिब होंगे। ये अखिलेश जी। जी इसी के साथ कर्नल जी बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार में आज आपके पास क्या अपडेट है, ग्वार में कैसा बाजार रह सकता है, क्योंकि हमने देखा कि 12000 के बाद तो ग्वार गम फिसला है और ग्वार सीड भी 6400 के बाद फिसलती नजर आई है। ऐसे में आपको क्या लगता है अब ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या संभावनाएं बन रही है? गवार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए गवार आज की इंटरडे ट्रेडिंग के लिए गवार के अंदर और गवार गन के अंदर मजबूती की संभावनाएं बनती हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इसको थोड़ा सा इजाफा दे रहा है। लगता है कि गवार सीट के अंदर आज खरीदारी करके चलनी चाहिए। जी इसे करने की बात करें अगर अब नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री में आज किन कम्युनिटीज में मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? और एग्री कमोडिटीज के अंदर हम मेटल्स के ऊपर नजर रखना चाहेंगे, चाहे स्टील हो चाहे कॉपर हो। इसके अंदर आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर संभावना मिल सकती है और स्टील के प्राइसेस के लिए भी समाचार ये मिल रहे हैं कि जो कि विंटर ओलंपिक के वजह से चाइना में हो रहा है वहां पर स्टील प्रोडक्शन के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन हैं और वहां पे बड़ी गिरावट स्टील प्रोडक्शन में हो रही है। इसका असर आने वाले लगभग 1 महीने में पड़ सकता है और इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया से जो कि स्टील का अच्छा प्रमुख स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है वहां भी 3-4 बड़ी जो कंपनी है, पास्को है, हुंडई है, वहां पर भी उन्होंने स्टील की प्राइसेस बढ़ाए हैं और यूरोप के अंदर भी जो है स्टील की प्राइसेस के अंदर तेजी के समाचार मिल रहे हैं। तो इसका प्रभाव भी मुझे लगता है कि भारतीय स्टील के अंदर भी पड़ने की संभावना बनेगी और जो स्टील के अंदर बड़ी मंदी की आग लगा के बैठे हैं उनको थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि कभी भी आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर स्टील प्राइसेस के अंदर तेजी की संभावनाएं पूरी पूरी बन सकती है। तो गिरावट के अंदर माल खरीदना चाहिए और इसके अंदर बिकवाली करने से, एडवांस बिकवाली करने से बचना चाहिए, ये मेरा कहना है। और जहां तक कॉपर का सवाल है, कॉपर ने कल बहुत शानदार मूवमेंट दी, कल हमारे क्लाइंट्स को भी हमने यही कहा था कि हमने मुझे तेजी नजर आ रही है और कॉपर ने जबरदस्त मूवमेंट किया, उम्मीद है कि सभी ने फायदा उठाया भी होगा और कॉपर के अंदर अगले 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि मजबूती की संभावनाएं बन सकती है। जी अखिलेश जी। जी ये से कर्नल जी बात करें अगर अब स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में आज किन स्टॉक्स के अंदर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए
मैं मेटल स्टॉक्स के ऊपर नजर रखना चाहूंगा, चाहे वो वेदांता हो, चाहे टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो। हाउसिंग सेक्टर के अंदर भी मैं नजर रखना चाहूंगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अभी आपको याद होगा लगभग 4 क्रिएटिव ट्रेडिंग सेशन पहले हमने हाउसिंग फाइनेंस एलआईसी के ऊपर बात की थी। ये भी कहा था कि एलआईसी के अंदर आईपीओ आने वाला है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियों के अंदर मुनाफा आ सकता है बिकॉज बाइंग की जाए। तो एलआईसी हाउसिंग में काम किया जा सकता है, डीआईसी हाउसिंग में फाइनेंस की में काम किया जा सकता है, और मेटल स्टॉक्स के अंदर हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर काम किया जा सकता है और इसको एक निवेश की दृष्टि से छोटी अवधि के लिए रखा जा सकता है। और जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी बैंक से निफ्टी में अच्छी मूवमेंट दे दी है नीचे के स्तर से, क्योंकि हमने आपको 2 ट्रेडिंग सेशन पहले कहा था कि निचले स्तर पर माल खरीदना चाहिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल मजबूत है, इसमें कोई दोहराए और संशय नहीं है। और ओमिक्रॉन पैंडेमिक की वजह से जो भी परेशानियां थी वो धीरे धीरे कम होने की चाहिए और इससे बाजारों को तेजी का बल मिलता है। तो इसलिए आप निचले स्तर पर माल खरीदेंगे, अच्छे चुनिंदा स्टॉक खरीदेंगे तो आपको फायदा पूरा पूरा मिलने की पूरी पूरी संभावना बनती है। याद रखिएगा कि व्यापार का पहला नियम है कि निचले स्तर पर आइडेंटिफाई करिए कौन आपको कहां माल खरीदना है और उचले स्तर पर अपना मुनाफा लेके बेचिए, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, इन सभी के ऊपर हमने आपका चर्चा करते हैं। तो इसके अलावा सरकारी क्षेत्र की जो पावर कंपनियां हैं, आपको याद होगा मैं ऊर्जा स्टैक का लगातार अपडेट दे रहा हूँ, चाहे वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, चाहे आरईसी हो, इन सभी के ऊपर मूवमेंट बनती है। इसके अंदर आप टाइम से प्रॉफिट कमाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो आरबीआई पॉलिसी की है उसके अंदर भी कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए हैं, एक सकारात्मक रुख बढ़ाया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि नॉन न्यूज इनका बेस्ट न्यूज, बजट के अंदर भी कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है, तो जब फायदा नहीं दिया लेकिन कुछ बड़ा टैक्स भी नहीं लगाया, तो ये हम बाजार एक्सपर्ट को के नजरिए से देखें तो एक अच्छा संकेत है ये अखिलेश जी। तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।